मैंने कहा है कि हरियाणा में कोई भी वाहन बिना नंबर के मुझे नज़र नहीं आना चाहिए, कोई भी वाहन बिना नंबर के नहीं चलना चाहिए, कोई भी सरकारी बस किसी भी प्राइवेट ढाबे पर खड़ी नहीं होगी, अपने बस स्टैंड पर खड़ी होगी। सभी जीएम रेगुलर बस स्टैंडों को चेक करेंगे कि बस स्टैंड की साफ़ सफाई, टॉयलेट, पीने का पानी। अक्सर देखने में आया है कि पीने का नलका तोड़ दिया जाता है ताकि मजबूरन यात्री उन दुकानदारों से सामान ले। बिना परमिट के चलने वाली जो बसें हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। कुछ बसें रोजाना बड़ी संख्या में चलती हैं जो मेरे संज्ञान में बात है, मैंने कहा कि इनको तुरंत रोका जाए। बसों के आने जाने का टाइम, कौन सी बस की क्या लोकेशन है, इसके लिए डिजिटल ऐप बनाई जाए ताकि यात्री भी देख सके कि बस कहाँ है इस वक्त, कहाँ आ रही है, और डिपार्टमेंट भी देख सके कि हमारी जो बस है वो प्रॉपर रूट पर चल रही है नहीं चल रही है। ये चीज़ प्राइवेट बसों पर भी लागू होगी, क्योंकि प्राइवेट बसों का अक्सर देखने को मिला है कि वो हर रूट में उसका गांव में जाना अनिवार्य होता है, लेकिन अधिकतर प्राइवेट बसें गांव में जाती नहीं हैं। तो जब ये डिजिटल ऐप लग जाएगी और जीपीएस लग जाएगा तो जो बस नहीं जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गांव के यात्री बहुत परेशान होते हैं। सभी बसों पर पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो बनाए जाएं। लाइटें होनी चाहिए, पंखे चलने चाहिए, और मेंटेनेंस कार्यों को अगर कोई बस स्टैंड जितने भी हैं हरियाणा में अगर किसी की मेंटेनेंस होनी है, रिपेयर होनी है, तो तुरंत की जाए। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिखने के लिए कहा है कि वो अपना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को हिदायत दे कि हमारे अड्डों पर जो भी खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है उसकी रैंडम चेकिंग करते रहें, और वो जो उसके अपनी गतिविधियाँ हैं उससे हमें भी अवगत कराएं। रेलवे में आपने देखा है कि रेलवे की अपनी आई क्या कहते हैं उसको, खाने की अपनी उनकी सर्विस है, IRCTC, उसको अध्ययन किया जाए और उसी की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट के लिए भी वैसी ही कोई एजेंसी बनाई जाए जिससे उसी क्वालिटी का, उससे भी बेहतर क्वालिटी का खाना यात्रियों को बस स्टैंडों पर मिल सके। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर सड़क पर जो ब्लैक स्पॉट हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएं, और जिस भी डिपार्टमेंट से वो ताल्लुक़ रखते हैं, PWD से, नेशनल हाईवे से, ULB से, उनके साथ मिलकर उसको समय बद्ध सीमा के अंदर अंदर उनको ठीक किया जाए। ट्रैफिक नियमों के जो भी इंडिकेटर्स हैं, कितनी स्पीड है, क्या है, वो सब बोर्ड लगाए जाएं सारी स्टेट में, और जहाँ पर कर्व आ रही है
उसकी प्रायर इंटीमेशन के लिए भी बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि लगभग हर साल प्रदेश में 10,000 लोग एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। मैंने सारे जो डिपार्टमेंट है उनको कहा है कि मुझे ये सीमा अधिक से अधिक कम करनी है, लोगों की ज़िंदगी बचानी है, उसके लिए जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो की जाए, और ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए एक कमेटी भी बनी हुई है जिसमें बाकी डिपार्टमेंट भी शामिल होते हैं, उनको साथ मैंने तुरंत मीटिंग रखवाने के लिए कहा है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट होते हैं, रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो मीटिंग होती है उसके लिए। कर्मचारियों को सैलरी, उनके भत्ते समय पर मिलने चाहिए, एक भी दिन उसका डिले नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और अगर किसी कर्मचारी की प्रमोशन ड्यू है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको एक्सपीरेट करके किया जाए। नियम है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनका हर 2 साल बाद फिटनेस उनकी चेक की जाती है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार सब जगह पर मैनुअल चेकिंग होती है, और मैनुअल में फिटनेस सारी चेक करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि उसके लिए इक्विपमेंट, लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है फिटनेस को चेक करने के लिए, वो इक्विपमेंट खरीदे जाएं, और बस ड्राइवर, कंडक्टर, बाकी कर्मचारी उनकी फिटनेस के लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनका रेगुलर चेकअप किया जा सके। सर, बसों में सीटिंग कैपेसिटी को लेकर भी कुछ बातचीत हुई इस बैठक में। सर, अक्सर देखा जाता है कि सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी होती है, कई बार हादसे का कारण भी बनती है। नहीं, अभी तो इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, डिपार्टमेंट ने जानकर दी कि बेड़े में इस वक्त बसों की संख्या कितनी है? 43 हो। कोई प्राइवेट परमिट की कितनी बसें चल रही हैं सर? 1500। कुछ और बेड़े में बढ़ाने की? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी आज पहली मीटिंग थी, अभी तो जो प्रिलिमिनरी जो काम आवश्यक हैं वो किए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर, जो एसी बसें चलाई गई थी पहले आइजर की, तो उसकी संख्या और बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा? नहीं, अब सारा ये स्टडी करेंगे, अभी तो आज तो एक प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, बाद में बाकी मीटिंग। सर, रोडवेज की जो यूनियन है उनसे आपकी क्या अपील है, क्योंकि रोडवेज की जो यूनियन है उनसे जो नहीं, उनसे भी बात करेंगे और उनके भी जो राय है हर काम में हम लेंगे। सर, बस अड्डों पर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बस अड्डे पर बस रुकेगी, खाना वहाँ पर मिलेगा, लेकिन पिछले दिनों आप वहाँ गए भी, वहाँ पर आपने देखा सर, वहाँ पर हाइजीनिक फूड नहीं मिलता, प्रोडक्ट नहीं मिलता, उसको लेकर कोई मैंने बोला तो आप पॉइंट उसमें IRCTC के टाइम IRTC की तरह जो आप चलाना चाह रहे हो तो उसकी तरह रेलवे की तरह वेटिंग रूम भी होने चाहिए? नहीं तो कंटेनर बनेंगी ना फिर, वैसे तो बनी हुई हैं या घेरी हुई हैं किसी ने, तो कंटेन तो होती है, पहले थी, हर बस स्टैंड पे होती है। चलो सर, एडवांस बस अड्डे को लेकर के भी कोई स्कीम आप लाने के लिए? हाँ जी, एडवांस जो बस अड्डे होते हैं, आधुनिक बस अड्डे। नहीं, मैंने कहा है कि जो भी नए बस अड्डे बनेंगे जी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हैं, अभी कहाँ कहाँ बनने वाले हैं वो मुझे रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जो बसें नहीं रोकेंगे, कब से लागू करेंगे? अब से ही, मेरे देश तो तुरंत प्रभाव से लागू है। जहाँ पर सरकारी कोई जगह नहीं है खाने पीने के लिए यात्रियों के लिए, वहाँ नहीं, नहीं, बस स्टैंड पे खड़ी करेंगे, किसी ढाबे पे खड़ी नहीं करेंगे। इतने पॉइंट तो दे दिए तुम्हें यार। एक कांग्रेस ने कमेटी बनाई है करण दलाल की अध्यक्षता में, हाँ जी, हाँ जी, उसकी बैठक भी हुई है, और किस चीज की कमेटी बनाई है? कमेटी हार को लेकर क्या कारण है, उसकी समीक्षा को लेकर कमेटी बनी है क्या? नहीं, हार का कारण मैं बता देता हूँ, दूर उसको वो कर लें। मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि उनका आना हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि वो जिस जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस हार जाती है, और मेरे कथन अनुसार वो 100% ठीक हुआ है।
अब राहुल गांधी जी को कैसे रोक रहे हैं उसके बारे में ये खुद विचार कर लें। देखिए लीडर जो होते हैं वो पार्टियों में होते हैं, दड़ों में नहीं होते हैं, इसीलिए इनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि कांग्रेस इज नॉट ए पार्टी, इट इज ए ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, भिन्न भिन्न दड़ों का एक समूह है, तो इसलिए इनकी फैसला हो नहीं पा रहा। सब किसान नेता हैं दर्शन पाल, आज उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया था लेकिन कांग्रेस उस पर बैटिंग नहीं कर पाई और ढंग से बैटिंग नहीं कर पाई इसलिए से वो चुनाव हार गए। आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले देखें तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। देखिए लोग बहुत सयाने हो गए, हमारे देश का जो प्रजातंत्र है वो बहुत मैच्योर्ड हो गया, वो अपने फैसले खुद करता है। बड़े बड़े लोगों ने कई कई अपीलें की लेकिन लोगों पर उनका तनिक भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से फैसले करते हैं और इस चुनाव में उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन आप लोग जिस तरह से कहते थे कि किसान आंदोलन कांग्रेस की देन है, तो अब कहीं ना कहीं उस पर मोर लगती हुई नजर आ रही है? वो तो है ही है, वो तो अब उस पर कोई बताने की जरूरत तो रह नहीं गई ना। मैंने कहा है कि हरियाणा में कोई भी वाहन बिना नंबर के मुझे नजर नहीं आना चाहिए, कोई भी वाहन बिना नंबर के नहीं चलना चाहिए, कोई भी सरकारी बस किसी भी प्राइवेट ढाबे पर खड़ी नहीं होगी, अपने बस स्टैंड पर खड़ी होगी। सभी जीएम रेगुलर बस स्टैंडों को चेक करेंगे कि बस स्टैंड की साफ सफाई, टॉयलेट, पीने का पानी, अक्सर देखने में आया है कि पीने का नलका तोड़ दिया जाता है ताकि मजबूरन यात्री उन दुकानदारों से सामान ले। बिना परमिट के चलने वाली जो बसें हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। कुछ बसें रोजाना बड़ी संख्या में चलती हैं जो मेरे संज्ञान में बात है। मैंने कहा कि